में आप सीखेंगे किस तरह से आप चार्ट को क्रिएट एंड फॉर्मेट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशंस का ग्रुप नजर आएगा जिसमें चार्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। आपने चार्ट के ऊपर सिंगल क्लिक करना है और इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट मोस्ट साइड पे देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल हैं। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ से चार्ट को चूज़ कर सकते हैं। मुझे जो रिक्वायर्ड है वो कॉलम चार्ट है। मैं यहाँ से कॉलम के ऊपर क्लिक कर रही हूँ एंड देन कॉलम की आपके पास डिफरेंट टाइप्स है कि आपको स्टैक्ड कॉलम चाहिए, क्लस्टर चाहिए, 100% क्लस्टर चाहिए या 3D चाहिए। तो मुझे जो है वो 3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और नीचे यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका चार्ट किस तरह का नज़र आएगा। तो मुझे यही चार्ट रिक्वायर्ड है, देन मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे चार्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जो ही मेरे पास चार्ट क्रिएट हुआ है, साथ ही मेरे पास एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है। तो ये एक्सेल शीट इसलिए ओपन हुई है कि जिस डाटा के कोरस्पॉन्डिंग मुझे चार्ट क्रिएट करना है वो डाटा मैं यहाँ पर इंटर करूँगी। तो मैं डाटा कैसे इंटर करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका जो साइज़ है वो मैक्सिमाइज़ कर लेती हूँ शीट का। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4 एंड अबव पे आपको नज़र आ रहा है सीरीज़ 1, 2 एंड 3। यहाँ पे जो सीरीज़ हैं ये आपके पास कीज़ हैं और ये आपके पास कैटेगरीज में आ रहे हैं जो कॉलम्स हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपना डाटा इंटर कर लेती हूँ। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट अगर आपने डाटा कहीं से करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दें और यहाँ पे आप अपना डाटा जो आपने कॉपी किया हुआ यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। बट मैं यहाँ पे डाटा इंटर करूँगी कीबोर्ड से, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। कैटेगरी 1 की जगह मेरा आ जाएगा स्टूडेंट 1, देन मेरा है स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 हो चुका है एंड देन मेरे पास आ गए स्टूडेंट 4। यहाँ पे सीरीज़ 1 की जगह मेरा पास जो है वो सब्जेक्ट के नेम्स में इंटर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेरे पास कंप्यूटर, देन है मेरे पास फिजिक्स एंड लास्ट में आ जाता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का अगर देख लें कि मेरे पास जो फील्ड है उसकी विड्थ कम है, तो मैं अब इसकी विड्थ को भी इंक्रीज़ कर रही हूँ साथ ही। और यहाँ भी अब डाटा अपना इंटर करूँगी मैं, मार्क्स जो है मेरे। आप एरो की से इसको सेल्स में मूव कर सकते हैं इजीली। इस तरह से आप डाटा जो है वो जल्दी इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा डाटा इंटर हो गया। जब आपका डाटा यहाँ पे इंटर हो जाए तो आपने इस विंडो को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपका चार्ट जो क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, स्टूडेंट 1 से लेकर स्टूडेंट 4 तक आ रहे हैं और 0 to 100 मेरे पास मार्क्स हैं। अब इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि चार्ट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और इनको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हमारे पास चार्ट का टाइटल। चार्ट का टाइटल अगर आपने देना है तो आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिंगल क्लिक करना है और यहाँ से बैक स्पेस से इसको रिमूव कर दें और आप अपना जो आपने टाइटल देना है आप वो लिख सकते हैं। स्टूडेंट रिजल्ट इसका मैंने टाइटल देना था। आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही होंगी, इसको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। देन हमारे पास आता है स्टूडेंट 1, 2, 3 एंड 4 जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ रहा है और 0 to 100 जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस में आ रहा है। और नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कंप्यूटर लिखा हुआ है ब्लू में, देन ऑरेंज 1 इज़ फिजिक्स एंड देन ग्रे 1 जो है वो मैथमेटिक्स है। तो हम इस होल को क्या कहते हैं, लेजेंड्स कहते हैं। और इसमें ये हमारे पास कीज़ होती हैं, मींस कि कंप्यूटर का जो डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है इस चार्ट में वो ब्लू 1 से हो रहा है, ऑरेंज 1 से जो शो हो रहा है वो हमारे पास फिजिक्स के मार्क्स हैं एंड देन मैथमेटिक्स के जो शो हो रहे हैं वो हमारे पास ग्रे 1 में हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि आप किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स इस चार्ट में ऐड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है इस चार्ट के ऊपर एंड देन आपको साथ प्लस का साइन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास चार्ट के एलिमेंट्स आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास एक्सिस। एक्सिस को आप यहाँ पे देखेंगे तो चेक मार्क्ड है, मींस कि यहाँ पे एक्सिस को मैंने इनेबल किया हुआ है। तो एक्सिस इनेबल ही है क्योंकि आपके पास स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4 शो हो रहा है और साथ 0 to 100 आपके पास मार्क्स जा रहे हैं। अगर आपको एक्सिस रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसको अनचेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल बोथ एक्सिस रिमूव्ड हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका हॉरिजेंटल एक्सिस आए बट वर्टिकल ना आए तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एक्सिस के ऊपर चेक मार्क करेंगे, देन आगे इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और अब यहाँ से आपको जो रिक्वायर्ड है आप वहाँ से कर सकते हैं कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल मार्क्स चाहिए बट मुझे इनके स्टूडेंट्स का नेम्स नहीं चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ से हॉरिजेंटल जो है इसको रिमूव कर दूँगी और सिर्फ वर्टिकल एक्सिस आएगा मेरे पास। बट ये इससे कोई सेंस नहीं बन रही, इसलिए मैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल बोथ के ऊपर चेक मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से आप इस चार्ट के एक्सिस के ऊपर काम कर सकते हैं कि एक्सिस अगर आपको हॉरिजेंटल या वर्टिकल चाहिए तो आप वो इजीली इसमें मूव कर सकते हैं। देन बारी आती है एक्सेस टाइटल्स। एक्सेस टाइटल क्या है कि ये मेरे पास जो है स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप एक्सेस को टाइटल्स भी दे सकते हो, आप एक्सेस टाइटल्स के ऊपर चेक मार्क कर लो यहाँ पे एंड देन यहाँ पे एक्सेस टाइटल के ऊपर आपने सिंगल क्लिक करना है और बैक स्पेस से इसको रिमूव कर दें
और यहाँ पे आप लिख ले स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ही है मेरे पास। एंड देन इसको मैं चेंज कर रही हूँ मार्क्स में, कि स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो 0 से 100 जा रहे हैं। ये मैंने एक्सिस को नेम्स दे दिए हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं और ये मेरे पास मार्क्स आ चुके हैं। अब फर्दर हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं इसमें। चार्ट टाइटल, चार्ट का जो टाइटल है वो चेक मार्क्ड हुआ हुआ है, मींस कि ये इनेबल है, इसीलिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट का रिजल्ट, स्टूडेंट रिजल्ट जो है वो आपको नज़र आ रही है, इस चार्ट का टाइटल है। अब चार्ट टाइटल में हमारे पास फर्दर ऑप्शन अवेलेबल है, आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। अबव चार्ट मीन्स कि ये जो टाइटल है ये अबव चार्ट आपको नजर आए, ये सेंटर्ड ओवरले नज़र आए। सेंटर्ड ओवरले करूँगी तो मैं क्या होगा कि जो मेरा चार्ट का जो टाइटल है वो उस चार्ट के ऊपर ही नज़र आएगा सेंटर में, बट मुझे अबव चार्ट चाहिए, मीन्स कि चार्ट नीचे हो और टाइटल उसका अबव में शो हो रहा हो। देन आप डाटा के ऊपर लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, डाटा लेबल्स आपकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब आप इजीली देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट वन है उसके कंप्यूटर के मार्क्स 98 हैं, स्टूडेंट वन के फिजिक्स के मार्क्स 89 हैं एंड स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के मार्क्स 78 हैं। तो इस तरह से आपकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ से मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैं इसको अनचेक कर रही हूँ। देन आप इसी टेबल, इसी चार्ट के ऊपर डाटा टेबल भी इनेबल कर सकते हैं। तो डाटा टेबल से क्या होता है कि आपके चार्ट के साथ ही आपका वो डाटा टेबल भी आ जाता है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग आपने चार्ट क्रिएट किया होता है। इसमें हमारे पास फर्दर ऑप्शंस हैं, आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, विद लेजेंड कीज और नो लेजेंड कीज। तो ये विद लेजेंड कीज और नो लेजेंड कीज क्या है हमारे पास, कि ये आपको नज़र आ रहा है अभी ये लेजेंड कीज के साथ है, कंप्यूटर के साथ आपको ब्लू मार्क नज़र आ रहा है, फिजिक्स के साथ ऑरेंज नज़र आ रहा है और मैथमेटिक्स के साथ ग्रे नज़र आ रहा है। ये जो है मेरे पास ये कीज़ है। तो अगर आप लेजेंड कीज़ रिक्वायर्ड है आपको तो विद लेजेंड कीज़ करें, अगर नो लेजेंड कीज़ करेंगे तो यहाँ पे कीज़ नहीं आएंगी। बट मुझे इसका डाटा टेबल ही रिक्वायर्ड नहीं है तो इसलिए मैं इसको अनचेक कर दूँगी। देन बारी आती है ग्रिड लाइंस की। ये जो हॉरिजॉन्टल आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये ग्रिड लाइंस है। अगर आपको ये रिक्वायर्ड हैं तो इसको इनेबल ही रहने दें, अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको अनचेक कर दें, तो आपकी जो ग्रिड लाइंस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। अब बारी आती है लेजेंड की। तो लेजेंड क्या है, ये मेरे पास ये कंप्यूटर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ ये जो कीज़ आ रही हैं इस होल को हम लेजेंड कहते हैं। लेजेंड आपको रिक्वायर्ड है इसीलिए इसको चेक मार्क किया हुआ है मैंने। फर्दर इसके आगे ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या है। आप लेजेंड की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, आपको राइट साइड पे लेजेंड्स चाहिए। अगर मैं राइट साइड पे करूँगी तो यहाँ पे आप देखें कि राइट साइड पे मूव हो चुके हैं। आपको चार्ट के टॉप पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बॉटम पे हूँ। देन आप इसकी मोर ऑप्शंस को भी देख सकते हैं कि आप मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने पोजीशन सेट कर लेंगे कि इसकी जो लेजेंड की पोजीशन है वो बॉटम पे हो। देन आप टॉप पे भी कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं। आप इस लेजेंड का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपने इस बकेट के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है सॉलिड फिल, तो सॉलिड फिल पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कलर को हो चुका है, आप यहाँ से इसका कलर भी चूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये ब्लू में हो चुका है बट मुझे रिक्वायर्ड नहीं इसलिए मैं इसको ऑटोमेटिक ही रहने दूंगी। और अगर आपने इस लेजेंड की के साइड्स पे बैकग्राउंड भी अप्लाई करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है, तो आप इजीली यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए इसको मैं एज इट इज़ छोड़ूंगी। देन आपके पास ये आपने एलिमेंट्स सारे देख लिए कि किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। वन मेथड आपके पास ये है कि आप इस तरह से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आपके पास क्या है कि आपने चार्ट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नज़र आएगा चार्ट लेआउट्स। इसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ऐड चार्ट एलिमेंट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके पास आप एक्सेस ऐड कर सकते हो, एक्सेस का टाइटल्स, चार्ट टाइटल, डाटा लेबल्स, डाटा टेबल भी ऐड कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस ऐड कर सकते हैं और लेजेंड्स के ऊपर आप मैनिपुलेशंस कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, लेफ्ट या बॉटम पे चाहिए। ये वही मेथड है, यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब जब आपने ऑल एलिमेंट्स ऐड करना आपने सीख लिए, एक और चीज़ जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लेआउट। क्विक लेआउट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, चार्ट लेआउट्स में देखें क्विक लेआउट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास 10 लेआउट्स हैं, आप इनके ऊपर देख लें। डिफरेंट लेआउट में डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, आपके रिक्वायरमेंट से जो चीज़ मीट कर रही है यहाँ पे लेआउट आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो किया हुआ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगी। अब हम सीख लेते हैं किस तरह से आप चार्ट के ऊपर अपना जो स्टाइल्स हैं आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कलर्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये सेकंड ऑप्शन नज़र आ रही है कि जहाँ पे आपका ब्रश नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है। टाइप वही रहेगी बट इसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इस ब्लैक वन वाले को चूज़ कर रही हूँ एंड देन कलर आपको नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कलरफुल पैलेट्स नज़र आएंगी, आप इट्स अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन सी कलर स्कीम बेहतर लग रही है आप उसको चूज़ कर लें यहाँ से, और यहाँ पे इसकी स्कीम चेंज हो जाएगी।
वन मेथड आपके पास ये है स्टाइल और कलर चेंज करने का। सेकंड मेथड आपके पास ये है कि आपने चार्ट डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ पे आपको नजर आएगा चार्ट स्टाइल्स, आपने इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपके पास वही स्टाइल्स अवेलेबल हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल थे। देन यहाँ से भी आप वही स्टाइल्स चूज कर सकते हैं। देन आप कलर्स को भी चूज कर सकते हैं, सेम चेंज कलर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी वही पैलेट अवेलेबल है आपको जो वहाँ पे थी। तो अब यहाँ से आप कलर स्कीम अपने चूज कर लें, मैं इसको चूज कर रही हूँ, और यहाँ से आप इस तरह से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आपने अगर डाटा को एडिट करना हो, मीन्स के न्यू डाटा ऐड करना हो इसमें, तो मैं कैसे करूँगी। यहाँ पे अभी तक स्टूडेंट वन से लेकर स्टूडेंट फोर तक डाटा आ रहा है, मैं चाह रही हूँ कि स्टूडेंट फाइव का भी मैं डाटा एंटर करूँ, तो मैं कैसे करूँगी। आपने इसके ऊपर सिंगल क्लिक करना है, चार्ट डिज़ाइन पर जाके आपने एडिट डाटा के ऊपर क्लिक करना है। तो एडिट डाटा के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। अब आपने इसी के ऊपर स्टूडेंट फोर का मैंने डाटा एंटर करना है, तो अब मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट फाइव का, सॉरी इंटर करना था, स्टूडेंट फाइव का डाटा इंटर किया और अब इसमें मैं मार्क्स इंटर कर रही हूँ। जो ही मैंने मार्क्स इंटर किया, आप यहाँ पे देखोगे कि स्टूडेंट फाइव का भी डाटा आ चुका है। अब अगेन आप देखेंगे कि मैं अगर इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स भी, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो फील्ड थी कंप्यूटर फिजिक्स और मैथमेटिक्स थी। अगर मैं यहाँ पे नीचे कीज़ भी चेंज करना चाह रही हूँ, मैं केमिस्ट्री के मार्क्स भी इंटर करना चाह रही हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी। आपने इसके ऊपर सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पर आप, मैं लिख रही हूँ केमिस्ट्री और इसमें भी मैं डाटा इंटर कर रही हूँ। तो जो ही मैं डाटा यहाँ पे इंटर कर लूँगी, आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल भी जो आपका चार्ट है वो एडिट हो चुका है, न्यू डाटा इसमें ऐड हो चुका है। जब आपके यहाँ पे आपने एडिट टेबल कर ली हो, देन आप इस विंडो को अगेन क्लोज कर दें। तो इस तरह से आप चार्ट को एडिट भी कर सकते हैं अपने। अब आपने अगर टाइप ही चेंज करनी हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे पास चार्ट है इसकी मैं टाइप ही चेंज कर दूँ, तो मैं कैसे करूँगी कि मेरे पास ये कॉलम वाला नहीं होना चाहिए बल्कि बार में हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन आपके पास वही टाइप्स आएंगी। अब आप यहाँ से अगेन सेलेक्ट कर लें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चार्ट किस टाइप का चार्ट आप लेना चाह रहे हो। तो यहाँ से अगर मैं बार चार्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ, देन अगेन इसके ऊपर मैं 3D के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो मुझे कुछ चार्ट इस तरह का नजर आएगा, बट मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे कॉम्बो चार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अगेन कॉम्बो चार्ट पर जाऊँगी। और कॉम्बो चार्ट में क्या होता है कि आपके पास 3-4 जो चार्ट्स हैं उनका मिक्सचर होता है। तो इसके साथ हम कॉम्बो चार्ट के साथ कैसे काम कर सकते हैं, आपको नजर आएगा यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ और साथ लिखा हुआ क्लस्टर्ड कॉलम। जो मेरे कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो क्लस्टर्ड कॉलम्स की शेप में नजर आएंगे, मुझे फिजिक्स का भी क्लस्टर्ड कॉलम है, मैथमेटिक्स लाइन में नजर आ रहा है, मैथमेटिक्स ग्रीन में, और ये देखेंगे आप लाइन नजर आ रही है, और देन केमिस्ट्री भी लाइन में है। बट मैं चाह रही हूँ कि मैथमेटिक्स भी मुझे क्लस्टर्ड कॉलम में नजर आए और सिर्फ केमिस्ट्री है जो मुझे लाइन के फॉर्म में नजर आए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको क्लस्टर्ड कॉलम सेलेक्ट कर लूँगी। इट्स अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसके मुताबिक 2-3 जो चार्ट्स हैं उनका मिक्सचर यहाँ पे बना सकते हैं। बट मुझे जो रिक्वायर्ड है वो क्या है कि मेरे पास कस्टम में होना चाहिए एक तो, और कस्टम चूँकि मैं ये खुद से कर रही हूँ और इसमें मैंने जो है वो क्लस्टर्ड कॉलम और लाइन को इम्प्लीमेंट किया है। देन आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका चार्ट जो है वो आपका चेंज हो चुका है और यहाँ पे अब लाइन को भी मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। बट अभी आपको रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इसके ऊपर लेबल्स भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डाटा लेबल्स ऐड किए हैं तो अब आप इजीली इसको रीड भी कर सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर मैं कुछ फिल्टर्स भी अप्लाई कर लूँ। तो फिल्टर्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे जो स्टूडेंट टू है इसका डाटा नहीं चाहिए, तो मैं अब क्या करूँगी, फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करूँगी। लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास इसके फिल्टर की है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पास ये ऑप्शंस नज़र आएंगी। अब आप देखेंगे कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और कैटेगरीज लिखी हुई हैं। अब जो आपको कैटेगरी रिक्वायर्ड नहीं है, आप नहीं चाहते कि टेबल उसका बने उसका चार्ट क्रिएट हो, तो आप इसको यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट 3 का डाटा रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट 3 को यहाँ से अनचेक करूँगी और अप्लाई करूँगी, तो स्टूडेंट 3 का डाटा मुझे अब यहाँ पे शो नहीं होगा। अब अगर मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे पास एक सब्जेक्ट भी कम हो जाए केमिस्ट्री का, तो आप इसको भी अनचेक कर सकते हैं और अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो भी डिसेबल हो जाएगा। बट मुझे ये बोथ रिक्वायर्ड है, तो इस तरह से इसके ऊपर मैं अगेन अप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास डाटा आ चुका है। इस तरह से आप अब फिल्टर कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि जो आपका टेबल क्रिएट हुआ होगा उसमें कुछ चेंजिंग्स नहीं होंगे, सिर्फ आपका जो चार्ट है वो आपके लिमिटेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा। तो आप इस तरह से फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं जिस डाटा के ऊपर आप चार्ट को क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपके ऊपर है कि आप कौन सी रोज एंड कॉलम्स के ऊपर चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप फिल्टर्स के थ्रू वो काम कर सकते हैं।
अब बारी आती है कि आप किस तरह से स्विच कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स को। तो आप स्विच रोज एंड कॉलम्स क्या है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 और नीचे आपको नज़र आ रहा है कीज़। मैं चाह रही हूँ कि ये जो कीज़ हैं ये स्टूडेंट 1 की जगह है, मीन्स कि यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट 1 के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि कंप्यूटर यहाँ पर आ जाए और कंप्यूटर में मेरे पास जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा सेपरेट इनके ग्रुप के फॉर्म में आ जाए। फिर अगेन यहाँ पे फिजिक्स आ जाए और फिजिक्स के मेरे 5 स्टूडेंट्स का डाटा आ जाए। तो मैं इसको किस तरह से करूँगी, आपने एडिट डाटा के ऊपर क्लिक करना है। जब आपके पास ये अगेन एक्सेल शीट ओपन होगी आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है डाटा को एंड देन आपने स्विच रो के ऊपर क्लिक करना है। तो स्विच रो से अभी आप देखेंगे क्या है कि स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है और कीज़ है मेरे पास कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। अब ये चेंज हो जाएगी, तो चेंज हुई है तो कैसे हो गया कि कंप्यूटर मेरे पास आ चुका है। फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसको ऑरेंज वन से शो किया गया, सेकंड स्टूडेंट को येलो से एंड थर्ड स्टूडेंट को ग्रीन वन से। अब आप देखेंगे कि ब्राउन में जो आ रहा है वो लाइन की फॉर्म में जो आ रहा है वो स्टूडेंट 4 है मेरे पास। तो इस तरह से आप रोज एंड कॉलम्स को भी स्विच कर सकते हैं। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी बाई डिफॉल्ट जो पोजिशन थी वो हो जाएगी। इस तरह से आप यह एंड देन इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, इस तरह से आप जो है स्विच कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स को भी। अभी तक हमने फिल्टर्स के बारे में सीख लिया, स्टाइल्स एंड कलर्स के बारे में सीख लिया और न्यू एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं उनके बारे में सीख लिया। अब हम सीखेंगे किस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, चार्ट डिज़ाइन के साथ आपको नेक्स्ट ऑप्शन नज़र आएगी फॉर्मेट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं शेप स्टाइल्स, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या आपको कौन सा शेप रिक्वायर्ड है। मैं फॉर एग्जांपल इसको चूज़ करती हूँ तो अब देखें कि क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था चार्ट के टाइटल को तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है और शेप में आ चुका है, बट मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैं अगेन इसको कंट्रोल जी करूँगी तो ये अपने प्रीवियस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसकी टेक्स्ट के ऊपर कलर चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप इस लेजेंड्स वगैरह के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो एक्सिस के ऊपर चेंज कर सकते हैं, आप एक्सिस टाइटल्स के ऊपर चेंज कर सकते हैं और एक्सेल जो चार्ट टाइटल है आप उसके भी जो आप कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। आज की इस वीडियो में हमने सीख लिया किस तरह से आप चार्ट को क्रिएट और इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, चार्ट्स के न्यू एलिमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, स्टाइल्स कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, देन आप रोज एंड कॉलम्स को कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं एंड एडिट कैसे कर सकते हैं चार्ट को और फिल्टर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं।